शहर में स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम से सोमवार 15 जून की रात 500 रुपए की जगह 2500 रुपए निकलने की घटना से सनसनी फैल गई। रुपए निकालने के लिए एटीएम सेंटर के सामने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस तकनीकी गड़बड़ी की जानकारी मिलने पर बीसीएन संवाददाता ने खापरखेड़ा पुलिस को इसकी जानकारी दी। एपीआई दीपक काकेड़वार ने एटीएम सेंटर का शटर बंद कर पुलिस कर्मी तैनात कर दिया था। एटीएम में रुपयों का ट्रे, जिसे कैसेट भी कहते हैं, लगाने के क्रम में चूक होने की बात सामने आ रही है। मंगलवार की सुबह एटीएम में कैश लोड करने वाली कंपनी की टीम खापरखेड़ा पहुंची। जांच के बाद तकनीकी गड़बड़ी को दूर किया गया। टीम के साथ आए प्रवीण इंदुरकर से बात करने पर उन्होंने बताया कि मशीन में कुछ आंतरिक गड़बड़ी आ गई थी, जिसे ठीक कर लिया गया है। इससे ज्यादा कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया। एक्सिस बैंक ने एटीएम में कैश लोड करने का कार्य एजीएस सर्विस कंपनी को दिया है। कैश लोड करते समय बैंक का एक कर्मचारी भी साथ में होता है। एटीएम में 100, 200, 500 और 2000 रुपए ऐसे चार ट्रे होते हैं। मशीन की संचालन तकनीक के अनुसार रुपयों के ट्रे क्रमवार लगाने होते हैं, लेकिन एटीएम में ट्रे का क्रम संभवतः गड़बड़ा गया। 100 रुपए के स्थान पर 500 रुपए का ट्रे लग गया, इसलिए सॉफ्टवेयर के अनुसार 500 रुपए की निकासी करने पर 100 रुपए के 5 नोट के स्थान पर 500 के 5 नोट निकल रहे थे। पैसे वसूली के लिए एक्सिस बैंक को पूर्ण प्रक्रिया करनी होगी। बैंक के एक जानकार व्यक्ति से बात करने पर उन्होंने बताया कि आरबीआई के नियम के अनुसार बैंक लोगों के खाते से राशि डेबिट कटौती नहीं कर सकती। इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसे पूर्ण करना आवश्यक है। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करानी होगी या संबंधित लोगों से संपर्क कर उन्हें बैंक को हुए नुकसान से अवगत कराकर राशि प्राप्त करनी होगी। खैर, खबर लिखे जाने तक बैंक अथवा संबंधित एजेंसी की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। घटने दिवसी एक्सिस बैंक येथे 11:30-12 दरम्यान प्रचंड तरुणांची गर्दी होती। कुतूहलास्पद बघितले, इथे बघितले असता तर असे आढळून आले की 500 रुपयाचा विड्रॉल टाकताना 2500 रुपयाची रक्कम विड्रॉल होत होती। त्या कारणाने भरपूर तरुणांची गर्दी होती। बाजूला इंडियन बँकेचे इथे एटीएम आहे, तर तिथे अजिबात गर्दी नव्हती आणि कमीत कमी 2 ते 3 तासात येथील 3.5 ते 4 लाखाची रक्कम विड्रॉल झालेली आहे। तसेच आम्हाला जसं कळल्यास आम्ही पोलीस स्टेशनला पत्रकारांना माहिती दिली। पोलीस आणि पत्रकार लगेच येऊन इथे शटर डाऊन करून ही कारवाई पूर्ण थांबवण्यात आली आणि तेव्हा एटीएम बंद झाले। सोमवारी रात्री 10 ते 11 दरम्यान लोकांची या एटीएम सेंटरवर भरपूर गर्दी होती, याची माहिती मला साधारण 12:15 दरम्यान मिळाली। माहिती मिळाल्यानंतर मी लगेच या एटीएम सेंटरवर आलो। इथला पूर्ण हकीकत कळल्यानंतर पोलिसांना सूचना दिली, पोलीसही आले। पोलीस आल्यानंतर येथील शटर बंद केले। टेक्निकल पर्सनला, एक्सिस बँकेच्या टेक्निकल पर्सनला दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी सकाळी मी त्यांना फोन केला, तर त्यांनी या एटीएम मशीनमध्ये तांत्रिक बिघाड असल्याचे सांगितले। पण मी माझ्या सोर्सनुसार माहिती काढली आणि मला असं कळलं की या एटीएमच्या ट्रेमध्ये 100 रुपयाच्या नोटाचे बंडल ठेवण्याऐवजी यांनी 500 रुपयाचे नोट ठेवले, त्याच्यामुळे हा प्रकार घडला असं मला वाटतं। एनबीसी न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन आशिष राऊत के साथ अरुण महाजन की रिपोर्ट।